क्राइम ब्रांच ने शातिर नकब वजन गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों से लगभग 15 लाख रुपए का माल बरामद किया है। वहीं पुलिस ने शातिर महिला चोर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 12,50,000 रुपए के सोने चांदी का सामान भी बरामद किया है। एएसपी अंकित जायसवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि गिरोह की महिला सदस्य घरों की रैकिंग कर अपने साथियों की जानकारी देती थी। महिंद्रा कंपनी में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का साइबर पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। एसपी साउथ साई कृष्णा ने बताया कि आरोपी एक फ्लैट में कॉल सेंटर चला रहे थे, जिससे किसी को शक ना हो। आरोपी रघुनंदन दूसरे कॉल सेंटर पर कॉलर का काम करता था। वहीं काम सीखने के बाद अपना धोखाधड़ी कर कॉल सेंटर शुरू किया। उसने करीब 150 लोगों से आरोपी 15 लाख की ठगी की। आरोपी एटीएम से और पेटीएम में राशि ट्रांसफर करवाकर पैसे निकाल लेते थे। एक कंप्लेंट आई थी जिसमें एक व्यक्ति ने कहा था कि उसके पास कोल्ड कॉल्स आए हैं, जिसमें उसको कहा गया कि महिंद्रा कंपनी में उसकी नौकरी लगाएंगे एग्जीक्यूटिव मैनेजर के पोजीशन पे। और इसके बाद जैसे टिपिकल कॉल सेंटर मोडस ऑपरेंडी होता है, अलग अलग चीज़ें बता कर कि कभी यूनिफॉर्म, कभी प्रोसेसिंग चार्जेस, कभी कुरियर चार्जेस, कभी रिज्यूमे वगैरह, इस टाइप के उसके अलग अलग स्टेप्स में इन लोगों ने लगभग 85,000 रुपीस निकाल लिए हैं। इसका कंप्लेंट रजिस्टर करके इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया और दिल्ली से 3 लोगों को पकड़ के लाई है टीम। इसमें से एक मुख्य ऑपरेटर है और उसके 2 सहयोगी हैं। जो मुख्य ऑपरेटर है हमारा, वो पहले एक इसी टाइप के फ्रॉड कॉल सेंटर में काम कर रहा था। वो कॉल सेंटर बस्ट हो गया तो उसके बाद वो वहाँ पे आरोपी नहीं बना था। उसके बाद उसने निकल कर एक अपना खुद का कॉल सेंटर स्टार्ट किया, जिसमें ये 2 लोगों पर लेकर वो ऑपरेशन कर रहा था। इसमें हमने लगभग 16 सिम कार्ड्स, कई मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें बरामद की है, जिसको यूज़ करके ये लोग घटना का हल करते थे।